गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फोर्थ। आई होप यू ऑल विल बी सेफ एट योर होम। टुडे वी विल डू चैप्टर 5 डिवीज़न। ओके, हाउ टू आई विल टेल यू हाउ टू डू डिवाइड। ओके, नाउ टेक आउट चैप्टर 5 पेज नंबर 55। देख रहे हैं डिवीज़न है इसका। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड कैसे करते हैं ये एक्सप्लेन करूँगी। सी ऑन द बोर्ड, बोर्ड में आप देख रहे हैं 168 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। हाउ टू डी डिवाइड 8 168। नाउ बिफोर द डिवीज़न डिवाइड वी हैव टू सी द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर देखते हैं, अगर इफ़ इट इज़ स्मॉलर दैन द डिवीज़र, अगर डिवीज़र से हमारा पहला वाला डिजिट जो है छोटी है तो हम क्या कहते हैं, हम दूसरी डिजिट को भी ले लेते हैं, दोनों डिजिट लेते हैं। नाउ इट इज़ 16। नाउ वी विल रीड द टेबल ऑफ 8 8 टू ज़ा 16। अब हम 16 की टेबल पढ़ेंगे। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 16 माइनस 16 क्रॉस। नाउ वी विल राइट अदर नंबर। 8 हमने लिख दिया। नाउ 8 1 8 एंड देयर विल बी क्रॉस या ज़ीरो, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू सेकेंड वन क्वेश्चन बी पार्ट। सॉरी, डिवीज़र इज़ हमारा 4 3 4 8। नाउ रीड द टेबल ऑफ 4 4 6 24 4 7 28 4 8 32 8 32 4 9 36 इज़ बिगर दैन 34। सो वी हैव टू राइट 4 8 32। अगर बड़ी हो जाती है डिजिट तो हम उससे पहली वाली डिजिट लिख लेते हैं। नाउ देयर विल बी 4 - 2 = 2 3 - 3 = 0 नाउ द नंबर इज 8। नाउ वी रीड द टेबल ऑफ 4 4 6 24 4 7 28 नाउ 7 टाइम 4 7 28। ओके, लाइक दिस वी हैव टू डू डिवाइड। नाउ आई विल टेल यू रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवीज़र, क्विटेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी इनके बीच में क्या है, क्या क्विटेंट होता है, क्या डिविडेंड होता है, क्या डिवीज़र होता है और क्या रिमाइंडर होता है। नाउ सियर, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, ओके, इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं इट इज़ कॉल्ड डिवीज़र। ठीक, और जो हमारा आंसर आता है इट इज़ कॉल्ड क्विटेंट। और जो हमारा नीचे रिमाइंडर, अगर कोई नंबर बच जाता है इट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। तो मैं आपको डिवाइड करके आपको शो कर रही हूँ। नाउ आई एम डूइंग हेयर 6 1 6। पहली डिजिट हमारी देख रहे हैं, बड़ी है या सेम हो तो हम इस पहली डिजिट को ही लेते हैं, दूसरी डिजिट नहीं लेते हैं। 6 1 6। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 6 - 6 - 0 नाउ सेकंड नंबर इज 8। नाउ वी विल राइट हेयर 8 अगेन 6 1 6 8 - 6 = 2 नाउ हेयर 5 ना 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 4 टाइम आ गया। नाउ 1 इज रिमाइंडर। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो है हमारा क्या है, क्विटेंट हो गया। और जो ये हम जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं ये क्या था, डिविडेंड था। और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो क्या था, डिवीज़र था। और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ओके, अब हमारा जब हमें नाउ सी ईयर डिविडेंड और हमें डिवीज़र पता है तो हम क्या करते हैं, जब हमें एक चीज़ पता नहीं होती, जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारा 60 डिवाइडेड बाय, हमें इसमें पता नहीं है डिवीज़र क्या है और हमें क्विटेंट पता है और हमें डिविडेंड पता है। सपोज़ हम 8 से डिवाइड करें और आपको फाइंड करना है डिवीज़र क्या है, तो डिवीज़र निकालने के लिए हम डिविडेंड को क्विटेंट से डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवीज़र फाइंड हो जाता है। ओके, ये रिलेशन होता है इनके बीच में। और अगर आपको क्विटेंट और डिविडेंड डिवीज़र पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है ये लिख रही हूँ मैं आपको। सी हियर, डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवीज़र मल्टीप्लाई क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इफ यू हैव टू फाइंड डिविडेंड व्हाट वी विल डू, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। कभी कभी आप लोगों को आपको डिविडेंड निकालना होता है, आपको डिवीज़र, क्विटेंट और रिमाइंडर दे रखा होता है,
तो रिमाइंडर दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिविजर और क्यूटेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, तो हमारा डिविडेंड निकल जाता है। ये एक्सरसाइज में आगे होगा आपके, ठीक है। नाउ सी ईयर 6 की टेबल में 60 कितनी टाइम आता है, 10 टाइम, 6 10 जा 60, तो इसका क्यूटेंट क्या हो जाएगा 10। 9 की टेबल में 81 कितनी बार आता है, 9 9 जा 81, तो इसका क्यूटेंट क्या हो गया 9। नाउ वी डोंट नो द डिवीजर, तो नाउ वी विल डिवाइड क्यूटेंट डिविडेंड डिवाइड डिविडेंड नाउ वी विल डिवाइड डिविडेंड बाय क्यूटेंट, ओके। नाउ सी ईयर 80 डिवाइडेड बाय 8, 8 10 जा 80, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ओके। नाउ से नाउ सेम थिंग इन डी पार्ट, ओके। नाउ 63 इज डिवाइडेड बाय 9, 9 7 जा 63, देख रहे हैं इसमें यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस तरह से हम निकालेंगे। नाउ सी इन एक्सरसाइज 5 है, आप देख रहे हैं सब में हमारे डिविडेंड मिसिंग है। डिविडेंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डिवीज़र है और क्यूटेंट है हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्यूटेंट, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 हमारा इसमें डिवीज़र क्या है 6 है और क्यूटेंट क्या है 7, 6 7 जा 42, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 42। इसी तरह से हम सारे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारा डिवीज़र मिसिंग है और हमें क्या करना है, डिवीज़र निकालने के लिए हम क्या करते हैं डिविडेंड को क्यूटेंट से डिवाइड कर देते हैं, ओके। नाउ सी इन क्वेश्चन सेकंड 60 डिवाइडेड बाय, आपको पता नहीं किस नंबर से डिवाइड करना है, हमारा क्यूटेंट क्या है 10 है, तो हम डिवीज़र निकालने के लिए डिविडेंड हमारा 60 है तो 60 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय क्यूटेंट कितना हमारा 10 है, तो 10 से 60 को डिवाइड कर 6 आ गया, तो हमारा यहाँ पे डिवीज़र 6 आ जाएगा, ओके। नाउ डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मींस अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो हमारा वही नंबर आता है। व्हेन वी विल डिवाइड एनी नंबर बाय 1 तो आंसर विल बी द नंबर सेम, ओके। एंड व्हेन वी विल डिवाइड द नंबर बाय इटसेल्फ, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारा हमेशा 1 आता है, ओके। नाउ सी ईयर देख रहे हैं 216 को 216 से डिवाइड करा 1 आ गया। नाउ थर्ड वन, अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं, व्हेन जीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर विल बी 0, अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है, ओके। नाउ सी हियर वी विल डू एक्सरसाइज 5B, डिवाइड एंड चेक योर आंसर, हमें डिवाइड भी करना है और अपने आंसर को चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, एक फर्स्ट का ए न देखिए 2927 को हमें डिवाइड करना है 9 से। नाउ हाउ वी विल डिवाइड, सी द फर्स्ट नंबर इट इज़ स्मॉलर देन 9, सो वी हैव टू टेक बोथ नंबर, दो नंबर लेंगे, 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 3 27, देख रहे हैं, अब माइनस कर देंगे 27 को, 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2, अब उसके बगल में क्या है 2 है तो 2 उतारेंगे। नाउ रीड द टेबल ऑफ 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, इट इज़ बिगर देन 22, बड़ा हो गया इसलिए हम 9 2 जा 18 करेंगे। अब हमारा 2 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, 12 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4, अब हम उसके बगल में क्या है 6, तो 6 उतारेंगे यहाँ पे। नाउ रीड द टेबल ऑफ 9, 9 5 जब 45 लिख लेंगे, अब हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 1 रिमाइंडर हो गया। नाउ द क्यूटेंट इज 325, डिवीज़र इज 9 एंड डिविडेंड इज 2926। अब देख रहे हैं आप डिविडेंड की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे 2, अब हम चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं 2926, डिवीज़र हमारा क्या है 9 है, क्यूटेंट हमारा क्या है 325, देख रहे हैं क्यूटेंट हमारा 325 और रिमाइंडर हमारा क्या आया 1 आया। अब हम देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 325 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 जो 45, नाउ आफ्टर मल्टीप्लाई द आंसर इज 2925, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 2925। अब हमें प्लस करना है 1, इनको प्लस करके हमारा क्या आ गया देख रहे हैं, नाउ सी ईयर 2926 और यहाँ पे भी क्या है 2926, दैट मीन्स आवर आंसर इज़ करेक्ट, हमारा आंसर सही है, ओके। इस तरह से हम चेकिंग भी करेंगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब दो डिजिट वाले नंबर है, देखो 25 की टेबल आपको नहीं आती तो हम 25 की यहाँ पे 25 2 जा 21 3 जा 63, इस तरह से हम कर लेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 21
6, 5, 4 देख रहे हैं। अब हम 21 के देख रहे हैं, 21 3 जा 63 है, तो यहाँ 65 है, तो हम 21 3 जा करेंगे 63, माइनस करेंगे 5 में से 3 माइनस करा 2 और यहाँ पे 4 बच गया। अब 24 है तो हम 2 जा तो ज़्यादा हो जा रहा है 42 देख रहे हैं, तो हम 1 जा करेंगे 21 1 जा 21 माइनस करा, ये इसको हटा देंगे लाइन को, 21 4 में से 1 गया 3 रिमाइंडर हो गया। अब हमें चेकिंग भी करनी है, डिविडेंड हमारा कितना है 654 है डिविडेंड, डिविज़र हमारा क्या है 21 है, क्विटेंट हमारा क्या है 31 है और रिमाइंडर क्या है 3 है। अब हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको करते हैं बेटा, डिविज़र और क्विटेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ रफ में 21 और 31 को मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में, ओके 3 1 जा 3 3 2 जा 6 651 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई करके आ गया 651 651 में हमने 3 प्लस करा तो 654 आ गया और हमारा डिविडेंड कितना ही है 654, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, ओके। तो इस तरह से हम चेक भी कर लेंगे। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल इसी की तरह है, तो आप लोग इसमें वेरीफाई नहीं करना बेटा, आंसर चेक नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे, मैं आपको थर्ड बताने जा रही हूँ, इसमें आपको वेरीफाई भी करना है, मतलब आप आंसर भी आपको चेक करना है कि सही है या गलत है, ओके। नाउ सी हियर, 25 की टेबल आपको नहीं आती, आप साइड में आप 25 की टेबल आप लिख सकते हैं, ओके। साइड में हम 25 की टेबल 10 जा तक लिख लीजिए या 7 जा जब तक आपको नीड होती है, जैसे तो आपने यहाँ पे 25 1 जा 25 25 2 जा 50 इस तरह से आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। 25 की टेबल 50 होता है, फिर 75 होता है, देन 100, देन 125, देन 150, देन 175, फिर यही चलता है, 51 आगे लग जाएगा 75, फिर 200 इस तरह से चलेगा। तो ये हमारी 25 की टेबल है, ओके। अब देखिए 25 2 जा 50 कितनी टाइम आया, 2 जा बार, ये 1 जा बार है, ये 2 जा बार है, ये 3 जा बार है, ये 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा बार, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6। अब देखिए बेटा, ये अगर हमारा नंबर ये डिवीज़र से छोटा होता है तो हमारे पास एक टूल और है, 0 जा, तो 25 1 जा तो 25 होता है, लेकिन 25 0 जा क्या होता है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। आफ्टर दैट फिर 0 हमने उतारा तो 16 का 16 ही रहेगा, हमने 7 उतार लिया, 167 हो गया। तो आप देखिए ये 175 बड़ा हो गया, तो इससे छोटा क्या 150 कितनी बार आया, 6 टाइम आया, तो हम यहाँ पे 6 जा लिख देंगे 150। जब माइनस किया तो ये आ गया, अब हमारे पास क्या है 3 है। नाउ सी हियर इट इज़ 175 इज़ बिगर देन 173, सो वी हैव टू राइट ओनली 6 टाइम, फिर दोबारा 6 टाइम आएगा, 6 जा 150 माइनस करा 23 इज़ रिमाइंडर। अब बताइए बेटा क्विटेंट क्या है हमारा 2066, डिविडेंड क्या है 25, डिवीज़र क्या है, सॉरी डिवीज़र क्या है 25 और डिविडेंड क्या है 51673। तो अब हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, डिविडेंड को हम लिख लेंगे 51673, डिवीज़र हमारा कितना है 25, क्विटेंट हमारा है 2066, हम प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 23, तो हम रिमाइंडर को उसमें प्लस कर लेंगे। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क के लिए आप अपने साथ एक रफ पेपर लेके बैठिए, तो हम 2066 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी ईयर 6530 कह रही हूँ, पर 3 6530 प्लस 333, 500 प्लस 333 का 3, 52 10 क्रॉस करा 1 डिजिट किया गया, 6 2 6 12 कैरी ओवर 1, 6 2 12 कैरी ओवर 1, 3 13 हो गया, 2 1 2 प्लस कैरी 1, 2 2 4 2 0 0 अब हम इनको प्लस कर लेंगे 6 1 5 51650। अब हमने यहाँ लिख दिया 51600 प्लस 50, अब हमें क्या प्लस करना है इसमें 23 को प्लस करना है, ठीक है। नाउ ऐड हियर 23 को हम इसमें प्लस कर देंगे, तो देख रहे हैं आप 7 ये आ जाएगा 51673 और हमारा डिविडेंड भी यही है, ओके। तो सेम आंसर हमारा ये आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ओके। नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।